तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको खेत पर लगी हुई जो धनिया होती है वो दिखाएंगे कि खेत पर जो धनिया होती है वो लगी हुई कैसी लगती है। बिल्कुल नज़दीक से ये पक चुकी धनिया है, इसमें पत्तियां नहीं हैं, ये देखिए। और ये धनिया दो टाइप की होती है, एक जो हम जो मसाला बनाते हैं उसके लिए जो तैयार की जाती है धनिया, एक वो है। तो ये देख सकते हो आप, ये लगी हुई है और ये कच्ची धनिया लगी हुई है, देखिए आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक ये लगी हुई है सारी, और काफ़ी दूर तक फैली हुई है, ये खेत में लगी है हमारे, ये देखिए। और अब हम आपको जो है वो पत्ती वाली धनिया भी दिखाएंगे, पर तसल्ली से पहले ये वाली आप धनिया देख लीजिए, ये कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है। और बीच बीच में ये कुछ प्याज वगैरह हमने बो रखी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वो भी देखिए। और ये देखते जाइए पेड़ वगैरह जो है, बीच बीच में पौधे छोटे छोटे लगे, ये देखिए। ये काफ़ी दूर तक ये धनिया बोई हुई है, और ये जो धनिया है आप देखिए, ये पत्ती वाली, देखिए ये जो है जो हम सब्जियों में डालने के लिए यूज़ करते हैं आजकल, ये वो वाली धनिया लगी हुई है, देखिए ये देखिए। हालांकि मैं आपको सही बताऊं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीनरी लेके आती है, इसमें उतनी खुशबू नहीं होती इस धनिया में। ये सिर्फ जो धनिया होती है ये केवल और केवल ग्रीनली के लिए रहती है, खुशबू बहुत कम रहती है इसमें। तो हम जो घर पे बोते हैं वो नॉर्मल जो खाने वाले मसाले वाली धनिया होती है वो बोते हैं, इसलिए वो कभी इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो देखिए अनंत प्रकार की फसलें प्रकृति में होती हैं और अनंत संभावनाएं होती हैं पैदा होने की। ये देखिए कुछ पालक लगी हुई है यहाँ पे, और ये कुछ पत्ते हैं पालक के बड़े बड़े, ये देखिए। ये जानवरों के लिए भी कुछ बोना पड़ता है ताकि उनको भी ग्रीनरी मिल जाए। और यहाँ पे ये खेतों पे कुछ बैंगन के पेड़ भी लगा रखे हैं, इस पे थोड़ी सी ये राख डाली जाती है ताकि इसमें कीड़े वगैरह कुछ ना लगें, पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगाते हैं, ये केवल घर के उपयोग के लिए रहते हैं। और ये कुछ गाजर लगी हुई है, ये देखिए ये गाजर के पेड़। तो मैं आपको जो भी दिखाता हूँ वो नेचुरली ही दिखाता हूँ, और नेचुरली ही इसमें चीज़ें मुझे भी मज़ा आता है देखने में, आई थिंक आपको भी थोड़ा सा इसमें मज़ा आता होगा। तो इसी प्रकार से देखते जाइए प्रकृति के जो अनूठे रंग हैं, मेरे साथ हम सब सारी चीज़ें देखेंगे, जो भी फसलें होती हैं कैसे होती हैं, उन्हें कैसे किया जाता है, क्या संभावनाएं हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी लाइब्रेरी बनाऊंगा, और आप भी देखते जाइए। सो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।